दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल से एक तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिसके बाद आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हो सकता है आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में पहले ही सुना हो, लेकिन तब भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिंपल तरीका से हर एक बात बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊँगा इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, ताकि जो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे अप्लाई करके प्रॉफिट अर्न कर सके। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस स्ट्रैटेजी को आप अगर फॉलो करते हैं तो अपने रिस्क पर करें, और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है तो अपने रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस जरूर से यूज़ करें। और दोस्तों कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, इसमें बहुत रिस्क हो सकता है। चलिए दोस्तों अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का नाम है हैमर कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी पर आपको ऐसे स्टॉक पर ट्रेड करना होता है जिसमें हैमर कैंडल बनता हो। अब इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए मैं आपको पांच बातें बताऊंगा। पहला, हैमर कैंडल क्या होता है और कैसे दिखाई देता है, ताकि आप हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा, हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, क्यों हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। तीसरा, हैमर कैंडल चार्ट पर कहाँ पर दिखाई देता है, ताकि आप चार्ट में समझ सके कि कहाँ पे बनता है और यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। और चौथा, हैमर कैंडल में ट्रेड कैसे करते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हैमर कैंडल किस किस स्टॉक पर बनते हैं, ताकि आप अच्छे से ढूंढ पाए और ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हैमर पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है हैमर यानी हथौड़ा। तो अभी आपको स्क्रीन पर कैंडल नजर आ रही है जो बिल्कुल हैमर जैसी नजर आ रही है। इसकी जो विक है वो बहुत लॉन्ग है, जबकि इसके बॉडी जो है बहुत शॉर्ट है। तो दिखने में ये बिल्कुल हैमर यानी हथौड़े जैसे लग रही है, इसलिए इसे हैमर कैंडल कहा जाता है। अब इस कैंडल को समझते हैं। दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर दो कैंडल नजर आ रही है, एक बुलिश है यानी कि ग्रीन कलर का, एक बियरिश है जो कि है रेड कलर का। तो ये दोनों बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, इसलिए ये ग्रीन है। और जो हमारी रेड कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, इसलिए ये रेड कैंडल है, ठीक है। 15 मिनट हो या 5 मिनट हो, जिस भी स्टॉक में ये कैंडल बनाती है, ये देखिए बहुत नीचे की तरफ गया है और नीचे से वापस ऊपर की तरफ आया है, इसलिए जो ये हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि ये हैमर ऐसे क्यों बना है और ये दिखने में ऐसे क्यों है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो दोस्तों इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे शेयर की प्राइस खुली, जब इसकी प्राइस खुली तो बहुत सारी सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बेचना शुरू किया, इसलिए वो नीचे की तरफ आया। लेकिन जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट पर आने के बाद बहुत सारे लोगों को इसको जो है खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए ये वापस से ऊपर चला गया। और जब बहुत सारे लोगों को लोग एक साथ एक शेयर को खरीदेंगे तब शेयर ऊपर ही जाता है। अगर कभी शेयर की प्राइस गिर रही है और प्राइस गिरने के बाद ऐसे हैमर कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है इस जगह पर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बाइंग लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे अगर रेड कैंडल भी बनती है तब भी उसका सेम ही मतलब होती है, और बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको प्रॉफिट होने का ज्यादा बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा ये हैमर कैंडल है कैसे, ठीक है, और इसका मतलब क्या होती है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ हैमर कैंडल चार्ट पर कैसी बनती है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, आपको हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया कैंडल में, ये इसका जो लोअर विक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें कोई भी अपर विक नहीं है, यानी कि ऊपर को कोई विक नहीं निकली है। लेकिन अगर किसी केस में किसी कैंडल की बॉडी छोटी है, लोअर विक लंबी है और ऊपर छोटी सी विक अगर निकली है ना, तो उसको भी हम लोग हैमर कंसिडर करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये वाला कैंडल ही होती है। चलिए दोस्तों हैमर कैंडल को चार्ट में भी देख लेते हैं। मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में बैंक निफ्टी को ओपन किया है, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग बैंक निफ्टी में है, और आपको जो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको चार्ट पर दिखना है सबसे नीचे के जब लो में दिखना है, यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। हैमर कैंडल बनाने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस जो है ऊपर की तरफ
जाएगा। अभी देखिए यहाँ से देखिए मार्केट जो कितना कितना ऊपर ऊपर तक गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको और एक कैंडल दिखाता हूँ, जो वो भी जो है हैमर कैंडल ही है। तो ये रहा, देखिए ये वाला कैंडल जो दिख रहा है आपको, ये भी हैमर जैसे ही है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे देखिए आपका टारगेट हिट, देखिए कितना बड़ा चांसेस है यहाँ पे बढ़ने का, ठीक है। तो क्योंकि आप अभी चार्ट को समझ चुके हैं, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको एंट्री कहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जानते हैं आपका एंट्री कहाँ होगा और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो दोस्तों जब भी एक चार्ट पर इस तरह का हैमर कैंडल बनता है, तो जब वो कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर वाला जो कैंडल है उसमें आपको एंट्री लेना होता है, और आपका स्टॉप लॉस होगा उस हैमर कैंडल के जो वीक है, वीक के सबसे नीचे, सबसे लोअर पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और इसके बाद एंट्री लीजिए, और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा आपका एंट्री कहाँ पर होगी और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आपको मेन बात जो है वो अभी तक नहीं पता है। लेकिन दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि ये हैमर कैंडल किस किस स्टॉक पर जो है बना हुआ है, तो आपको अगर ढूंढने में चला जाएगा बहुत देर, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जा करके आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि ये रहा। हम लोग जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पे, यहाँ पे आ करके आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक पर लाइव मार्केट में कौन से स्टॉक पर जो है ये कैंडल जो है बनाया है, आप उसमें जाकर के जो है ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, लास्ट में एक टिप बता हुआ है, ठीक है, स्ट्रेटेजी के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन चेक किए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट मिलता है, ठीक है, कोई भी स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट, मनी मेकिंग, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। एंड वहाँ पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्री में, हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते। अभी दोस्तों और एक बात आपसे जो रिक्वेस्ट है, जो वीडियो यहाँ पर दिखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ठीक है, सब्सक्राइब आवर चैनल। को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जरूरी नहीं है इस स्ट्रेटजी हर बार काम करती है, ठीक है, ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बार काम करता है, ठीक है, एक बार एक दो बार जो है फेल हो ही जाता है। तो अब अगर इस स्ट्रेटजी हो या किसी भी स्ट्रेटजी जो है आप फर्स्ट टाइम फॉलो करते हैं, तो आप एक दो बार तीन चार बार जो है जरूर से ट्राई कीजिए, इसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 10 बार ट्राई करेंगे, 10 में से जो है 7-8 बार ये स्ट्रेटजी काम करेगा और 3-4 जो है ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी।